आई होप यू गाइस एवरीवन सो कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और चिल कर रहे होंगे। सो सभी को जय श्री कृष्णा। वैसे आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ना कि जामिया अंदर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग मेल कब आएंगे। यार आ ही नहीं रहे, पता नहीं कब तक आएंगे, क्या डेट है, कंफर्म डेट क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है कब तक मेल आ सकते हैं, तो वही मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग मतलब कि जामिया अंदर यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन अभी कंफर्म हो गया, मेरी लिस्ट में नाम आ गया, उन सभी को कांग्रेचुलेशन एंड फीस भर के जल्दी से कॉलेज में आ जाओ, मस्त एंट्री मार दो और तुम लोगों की छाप कॉलेज में फैला दो चारों तरफ, समझ रहे हो ना तुम लोग। और कॉलेज में किसी से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी आपको कुछ भी बोले तो सीधा आके किसी को नहीं बोलना है, उस बंदे से आपको ही बातचीत करनी है और समझाना है, अपना प्रभाव डालना है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना प्रभाव बढ़िया सा कॉलेज में छाप दो। तो सबसे पहले चलो अभी मैं बताता हूँ कि जो बेसिक नर्सिंग रह गया, बी फार्मा हो गया, उसका काउंसलिंग मेल कब आएगा और कब तक आने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी को काउंसलिंग मेल नहीं आ सकता तो कोई घबराने की बात नहीं है, काउंसलिंग का मेल अगर नहीं आ रहा है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में ही चेक होंगे। जरूरी नहीं है कि सबको काउंसलिंग का मेल आता है, और काउंसलिंग का मेल इतना जरूरी भी नहीं होता है क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स रियल चेक हो सकते हैं तो काउंसलिंग की क्या ही जरूरत है। तो जरूरी नहीं है कि किसी को भी काउंसलिंग का मेल आ सकता है, तो घबराना नहीं है सबसे बड़ी बात, काउंसलिंग का मेल आए या ना आए लेकिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, तो चिल करो मस्ती करो। और रही बात जिसको भी काउंसलिंग का मेल आ चुका है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स फिर भी चेक होंगे, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में सारी चीज हो गई तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं होंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेके जरूर आना, अगर कोई लोग बाहर से आ रहे हैं तो लेके जरूर आना। और काउंसलिंग मेल की कोई डेट स्टार्ट नहीं होती, मतलब कि कोई कंफर्म डेट नहीं होती, उसका मेल कभी भी आ सकता है। और जो काउंसलिंग का मेल नहीं आया लेकिन फीस का मैसेज आ गया है उस पर भी मैंने वीडियोस बना दिए, वो भी आप देख सकते हो। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरे भी काउंसलिंग का मेल नहीं आया था, मतलब मुझे भी काउंसलिंग का मेल नहीं आया था, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स मतलब कि कॉलेज में चेक हुए थे। तो जरूरी नहीं काउंसलिंग का मेल नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, काउंसलिंग का मेल नहीं आया फिर भी आपका नाम मेरे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं ना 2 मिनट का काम है, यूं चेक हो जाते हैं, जो जो मांगते रहते आप निकाल निकाल के देते रहना, बाकी चेक हो गया, उसके बाद वहीं पे आपको फीस भरने के लिए बोल देते हैं। फीस भरने के बाद आपकी जब फी मतलब की कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो लोगों का होता है मतलब की कॉलेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उसमें आप ऐड हो जाओगे कुछ दिन बाद। उसके बाद आपको अगले दिन से कॉलेज में आ जाना है, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी मस्त धड़ाकेदार, और फिर आपका एडमिशन कंफर्म कि आपको रेगुलर कॉलेज आना है। एंड अगर अटेंडेंस का सीन बताऊं ना तो अटेंडेंस आपकी 75 तक होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको मतलब कि छुट्टी करने का मन कर रहा है तो पूरी अटेंडेंस, ये नहीं, ऐसा नहीं है, छुट्टी ले सकते हो, खूब मस्ती रहो, लेनी क्या छुट्टी करो, क्या ही पता चल रहा है किसी को भी। तो गाइस मैंने आपको सारी चीज बताई कि मतलब कि फी का भी बता दिया है और मैंने काउंसलिंग मेल का भी बता दिया। अगर पीछे से कोई आवाज आ रही है तो उसे इग्नोर करना, बार बार कोई बंदा ढे 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 करे जा रहा है, देखो फिर करे जा रहा है, वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है ना, सच बता रहा हूँ, कॉलोनी में बहुत ज्यादा आवाज आती है, कभी सब्जी वाले भैया आ जाते, कभी काम चल रहा होता है कहीं पे तो बहुत ज्यादा साउंड आता है, जब वो साउंड रुकता है ना तब वीडियो बनानी पड़ती है। तो ये वीडियो जरूर 5-6 मिनट की होगी लेकिन इसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है, एडिटिंग में फिर ये जो साउंड होता है इन्हें काटना इतना मुश्किल हो जाता है ना, तो काफी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए। एंड गाइस एक मेन बात, अगर आपका एडमिशन हो जाएगा पक्का मुझे आप लोग भूल जाओगे, मुझे पता कंफर्म पता भाई, क्योंकि कई लोग अभी से ही मुझे भूलने लग गए हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हो तो याद प्लीज जरूर रखना, हर स्कीम को जरूर याद रखना। एंड याद रखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी कॉलेज के बारे में बताने में, मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है लेकिन मजा भी आया, ये नहीं कहूंगा बुरा लगा लेकिन काफी मजा आया, मैं रिप्लाई करता रहता था ना सबका। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे लिए काफी सही रहेगा एंड आपके लिए भी सही रहेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड ये नहीं कि एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं आती, वो अपडेट मतलब कि स्टूडेंट को भी नहीं पता होती, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कोई फालतू चीज बताता नहीं कभी भी, सारी चीज मस्त बताता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए। सो आई होप गाइस ये वाला ब्लॉग विद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज कंफर्म पता चल गई होगी काउंसलिंग का सीन के बारे में, और फीस का क्या है, फीस का एक मेन चीज जो कि मैंने वीडियो में बता दी है वो भी आप देख सकते हो, जो मेरी अभी रिसेंट वीडियो थी ना वो देख सकते हो। सो आई होप गाइस ये ब्लॉग वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नहीं आते यार सब्सक्राइब भी करके जाएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा टेक केयर एंड ख्याल रखा करें अपना, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो वही।